3740 बिकिया और 5270 वाला नौकरी 5442। जहाँ जहाँ प्रॉफिट है लीजिए। सीमेंस और बॉश में कल मेरी कॉल है, बने रहिए, प्रीपेड एग्री स्टॉक्स है। अब आपके लिए दो बायस हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बताएं सर आज के अब दो बाय कॉल्स। देखिए सबसे बड़ा बात थी कल जो केएफसी बैंक ने आरईसी को फंडिंग दी है। आरईसी पीएफसी आर द पावर लेंडर और इनसे बढ़िया बिजनेस ही नहीं हो सकता और अब उनके लिए पावर एसेट्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो आरईसी में ये डिक्लाइन लीजिए 31 रुपए पे, 27.5 का स्टॉप लॉस है। अगर आप रख सकते हैं तो ये 45 जाएगा, लेकिन आज और कल में 38 का भाव मुझे दिखता है, न्यू हाई इज कमिंग। दूसरा मेरा फेवरेट जो आईएक्स, मुझे जहां पे इंडियन ऑयल ने अभी स्टेक बढ़ाया है एंड यू आर वेटिंग फॉर, तो पीएसयू जब इसमें स्टेक बढ़ा रहे हैं एक सीपीएससी स्टॉक में, देर इज ओनली गोइंग टू बी वन वे एंड दैट इज अपसाइड। 251 में लीजिए, 246 का स्टॉप लॉस, 262-265 का टारगेट आईएक्स। दो स्टॉक पावर से जुड़े हुए जहां पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए भसीन साहब की तरफ से, आरईसी यहां पर खरीदारी करें, कल पीएफसी भी परसों मेरे ख्याल से सुमित जी ने दिया था पीएफसी, पावर ग्रिड भी कल रडार पे आया था, तो हम कह रहे थे कि पावर स्टॉक धीमे धीमे एक्शन में आ रहे हैं। आरईसी पसंद है, 127.50 का स्टॉप लॉस, 138 का छोटा टारगेट, 145 का बड़ा टारगेट आरईसी के लिए, और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 265-262 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। ये राय आपके लिए, ऊपरी स्तरों पर कामकाज भी कर रहा है। शिवांगी जी दूसरा नाम आपकी तरफ से कौन सा होगा? जी दूसरा नाम मेरे जहन में जो है वो एक IEX जो अपने लोअर हाइज को नेगेट किया पिछले 7 दिनों के, और ये अपने सपोर्ट जोन्स, पिछले सपोर्ट जोन्स के तरफ आते हुए और फिर वहां से एक टर्न ले रहा है। तो जो एक पिछले दिन का एक रेंज था जो एक इनसाइड बार में यू नो ट्रेड कर रहा था, उसको निकालते हुए आगे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये स्टॉक मुझे काफी अच्छा लग रहा है, इसका टारगेट रहेगा अराउंड 263 और स्टॉप लॉस 248 का। 263 और 248 दो जोन्स को आप ध्यान में रखेंगे, 263 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं आईएक्स में, 248 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और आज 11 बजे के अराउंड्स में एक अच्छी तेजी देखी गई थी, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास से कामकाज कर रहा, 3.5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही, खरीदारी की राय बिकवाली नहीं है, 268 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। स्टॉक था वो आईएक्स, देखिए इस पर्टिकुलर काउंटर में भी हमने पिछले कुछ हाल फिलहाल समय में एक वॉलिटिलिटी देखी थी। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि काउंटर लगातार अपने प्रीवियस जो मेजर सपोर्ट जोन है उसको रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, तो वो निकल के आ रहा है 220 के आसपास। तो 220 के स्टॉक से अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं, यहाँ पे पीछे पुल बैक हमें 300 तक का देखने को मिलेगा। 300 का लेवल काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है, वो लेवल जैसे ही पार होगा